नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 4.23। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4.23 में क्या है हमारे पास, 4.23 को अगर देखें इसमें क्या कहता है आप लोगों ने, आप लोगों के पास फर्स्ट थ्री मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू है, ये बात आपने याद रखनी, इसलिए मैंने यहाँ पर एम नहीं डाला, आपको बताकर डालना है। अगर आपको कहते हैं मीन है, अबाउट मीन है, तो आपने सिंपल लिख देना था फर्स्ट मोमेंट है अबाउट मीन, ये सेकंड है और ये थर्ड है, लेकिन उसने कहा आर्बिट्री वैल्यू है, इसके राउंड अबाउट ये वैल्यूज हैं, तो इस पर डैश आपने लाजम लगाना है। अबाउट वाई है, वाई कितना फोर है, तो इसका मतलब ए कितना हुआ, बेसिकली वाई होता है हमारे पास ए के इक्वल, ठीक है, जब भी आपको देगा तो ए की वैल्यू क्या हुई, फोर है। आप इन दोनों को कंबाइन करके देख लें, वाई इज इक्वल टू वाई, ए इज इक्वल टू फोर। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, हमने उसने कहा आपने फाइंड आउट क्या क्या करना है, और कई स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि आप बुक कौन सी सॉल्व करवा रहे हैं, बुक मेरे पास पेड से भी गई। नेक्स्ट उसने पूछा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड नेक्स्ट उसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बाद आपने फाइंड आउट करना है यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिक्यूनेस चेक करनी है, छोड़ें सिक्यूनेस चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें सिक्यूनेस चेक करने के लिए क्या सिक्यूनेस नहीं, पहले हमें कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, सी वी। सी वी के लिए हमें क्या चाहिए, तो सी वी के लिए हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, मल्टीप्लाई करते हैं इसे 100 से, और आंसर होता है हमारे पास परसेंटेज में। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, या दोनों चीज़ें चाहिए, इसमें से मीन भी निकल जाएगा, मीन भी निकलेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। मीन कैसे निकलेगा देखें, अकॉर्डिंग टू बेसिक स्टेटिस्टिक्स फार्मूलाज मीन जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये फोर प्लस फोर ए वाला आ गया प्लस फर्स्ट मोमेंट है वन है, ये आ जाएगा फाइव, मीन आ गया हमारा फाइव। नेक्स्ट हमने क्या पॉइंट आउट करना है, नेक्स्ट हमें चाहिए स्टैंड डिवीजन, स्टैंड डिवीजन के लिए हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मिलता जुलता है क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 2019 के पेपर में आ चुका है, फैसलाबाद बोर्ड के पेपर में, और इसके अलावा इससे जो प्रीवियस ईयर था 2018 में ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रीवियस फाइव ईयर्स ओल्ड पेपर हैं, 2018 के पेपर को देख लें या 17 के, उसमें लाहौर के बोर्ड में आया हुआ इसी तरह का है, उसमें ये सारी नॉलेज आपको होगी तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट एक्स बार है, ये तो आ गया हमारे पास, देखिए स्टूडेंट एक हमने बात पढ़ी थी, अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मोमेंट्स की, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू वेरियंस, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस। अब सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करनी है, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो किसके इक्वल है, वेरियंस के इक्वल है, लेकिन इसको काउंट भी तो करना है, काउंट कैसे करेंगे, ये होते हमारे पास एम टू माइनस एम वन का स्केयर। मैंने मोमेंट्स बनानी ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, 4.21 क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे लाजमी देख, उसमें मैंने अच्छी तरह से बता दिया आपने मोमेंट्स कैसे बनानी है, कैसे फाइंड आउट करनी है, उसमें मैंने ब्रीफली बता दिया था। अच्छा नेक्स्ट इसको मोमेंट टू जो है वो कितनी हमारे पास, फोर माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्केयर, तो ये आ जाएगी फोर माइनस वन, स्केयर लेंगे तो वन नहीं आएगा, फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री आ जाएगा। सेकंड मोमेंट हमारी आ गई थ्री, थ्री किसके इक्वल है, वेरियंस के, इसका मतलब ये हुआ ये क्या आया हमारे पास जो आया ये वेरियंस है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है आपको पता होगा, चलिए मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेरियंस जो होता है वो होता है हमारे पास एस स्क्वायर,
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस, ठीक है। तो हमें चाहिए एस, तो क्या करेंगे सिंपली, स्केयर के स्केयर कोल है इसके, हमें चाहिए एस स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, दोनों तरफ से स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट लेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एस, और 3 का स्केयर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1.7320, इसको 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, मेन भी आ गया, तो हम इसका सी वी फाइंड आउट कर लेंगे। सी वी के भी 2 से 3 नाम है, मैं भी आपको अच्छी तरह से बताऊंगे। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, डिवीजन है 1.732 डिवाइड बाय मीन, मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में लिखें, 1.732 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास आया 34.64%, मे भी आपके पास भी यही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट उसने कहा कि आपने सिक्योरनेस भी चेक करनी है, सिक्योरनेस के लिए हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, हम B1 यूज़ करते हैं, B1 यूज़ करते हैं। B1 किसके इक्वल होता है, थर्ड मोमेंट डिवाइड बाय सेकंड मोमेंट, इसके पावर थर्ड और इसके 2, ये भी आपने जिस तरह से ये देख लिया होगा। अब आप कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये को यूज़ करते हैं, सारे का भी ले लेते हैं और इसका ये ख़त्म कर लेते हैं, इस पर ये डाला होता है, तो ये भी फार्मूला ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर स्केयर रूट जो है स्केयर कैंसिल हो गया, आप ना भी लें तो भी कोई बात नहीं है। थर्ड मोमेंट, अब हमें थर्ड सेकंड मोमेंट हमने ऑलरेडी देख ली थी, सेकंड मोमेंट अबाउट मेन वेरियंस की कुल थी, वो क्या आई थी हमारे पास, वो थी 3, ठीक है। थर्ड मोमेंट हमें चाहिए, थर्ड मोमेंट बना लेते हैं यहाँ से, माइनस 3 फर्स्ट मोमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मोमेंट प्लस 2 इंटू फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट मोमेंट की पावर 3 लिखेंगे। और ये आपने 4.2 क्वेश्चन अभी तक नहीं किया, 4.21, तो उसे लाजमी कर लिया, उसमें मैंने ब्रीफली ये बताया कैसे आपने ये बनानी है। अब थर्ड मोमेंट ये थी हमारे पास 10 माइनस 3 इंटू फर्स्ट मोमेंट 1, सेकेंड है हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट मोमेंट की पावर 3, 10 माइनस 3 को 1 से करेंगे 1 3 रहेगा, 3 को 4 से करेंगे 12 प्लस 2 1 पावर 3 लेंगे तो ये इतना ही रहेगा, और ये आ जाएगा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 को 10 में ऐड कर दिया, 2 भी प्लस का है 10 भी प्लस का है, दोनों जब ऐड हो गए तो 12 आ गया, 12 माइनस 12 किया तो 0। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आई हैं, 0 पावर 2 डिवाइड बाय सेकंड मोमेंट थी हमारे पास 3, पावर 3 लेंगे तो ये 0 ही आ रहा है। अब 0 आया, जब भी B1 0 आएगा, इन सैंपल डेटा होगा B1, जब पॉपुलेशन डेटा होगा तो B1 आएगा, जब ये 0 के इक्वल आ जाए तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, वो नेगेटिव साइड को है ना वो पॉजिटिव साइड को। अगर आपका आंसर 0 से कम आ जाता है, ये तो 0 आ गया, 0 से कम आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली सिक्योर्ड है, और वो आपको जानते हैं जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगी। और अगर आपका आंसर आ जाए 0 से ग्रेटर, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो वो आ जाएगा आपका पॉजिटिवली सिक्योर्ड।